केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सिटी को गड्ढा मुक्त करने का संकल्प लिया और कहा कि नागपुर विकास की नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। सिटी को 100% गड्ढा मुक्त करने के लिए कटिबद्ध है और सारे रोड का सीमेंटीकरण करेंगे। वे मनपा, NIT, NMRDA के विविध विकास कार्यों की भूमि पूजन व लोकार्पण कार्यक्रम में बोल रहे थे। विमनपा, NIT, NMRDA के विविध विकास कार्यों के भूमि पूजन व लोकार्पण कार्यक्रम में बोल रहे थे। जतारा रोड पर नरकेसरी लेआउट में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस, विधायक कृष्णा खोपड़े, मोहन मते, प्रवीण दटके, भाजपा शहर अध्यक्ष बंटी कुकड़े, नाना यामकुले, संदीप इटकेलवार, किशोर वानखेड़े, प्रकाश भोयर, मनपा आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी उपस्थित थे। गडकरी ने कहा कि विविध विकास कार्यों के माध्यम से शहर का विकास किया गया, आज भी बड़े पैमाने पर कार्य शुरू है। मेट्रो, मिहान, एम्स, सिम्बायोसिस, मेयो मेडिकल विकास इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि जो भी कार्य कर सका उसका श्रेय जनता को है, क्योंकि अगर जनता चुनकर नहीं देती तो विकास नहीं किया जा सकता। जनता ने जात पात धर्म को साइड में रखकर हम पर विश्वास रखा। 2400 कोटी रुपयाची नाग नदीची योजना मंजूर केलेली आहे आणि या योजनेमध्ये नागपूरच्या 3 विधानसभा क्षेत्रामध्ये जी ड्रेनेज लाईन आपण टाकणार आहोत ती सगळी ड्रेनेज लाईन त्या ठिकाणी त्या खर्चात येणार आहे। पण त्याचबरोबर NMRDA क्षेत्रामध्ये आणि विशेषतः महानगरपालिकेच्या अन्य क्षेत्रामध्ये मात्र ह्या ड्रेनेज लाईन टाकण्याचा कार्यक्रम जो आहे याच्यातली एक अडचण आहे। आमच्या इथे मी एकदा NHAI अधिकाऱ्यांना विचारलं की तुम्ही रोडच्या बाजूला ज्या नाल्या बांधल्या आहेत तुमची एक तरी नाली देशात दाखवा की जिथून पाणी वाहतं का? तुम्ही फक्त ड्रेनेज पाईपलाईन टाकता, लेवल बघत नाही आणि त्या चोकअप होतात आणि लोकांना त्रास होतो। मला माफ करा, त्याची लेवलही नाही आणि ते टेक्निकली होत नाही। आणि म्हणून यावेळी जायका करता इंटरनॅशनल एजन्सीला ज्यांना अपॉइंट केलं त्याबाबतीत एक प्रस्ताव मी महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना आणि चेअरमन साहेबांना असं सांगितला की त्यांच्याचकडनं पूर्ण नागपूरच्या ड्रेनेजचा एक प्लॅन तयार करून घ्या, म्हणजे रस्त्यावर पाणी अडणार नाही, पावसाळ्यात पाणी तुंबणार नाही आणि ड्रेनेजचं पाणी विथ ग्रेडियंटनी लेवलने एका दिशेने जाईल आणि त्यामुळे नागपूर खऱ्या अर्थाने यातून मुक्त होईल। गडकरी ने कहा कि पहले पानी के लिए मटका फोड़ आंदोलन हुआ करते थे, लेकिन अब शहर में जल संकट नहीं होता। जल्द ही पूरी सिटी में 24/7 पानी मिले इसका प्रयास चालू है। जैताला में 1.5 लाख लीटर क्षमता की पानी की टंकी से अनेक बस्तियों की समस्या हल होगी। NBC न्यूज के लिए अजित कुमार के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।